दोस्तों एक जमाने में बहुत ही फेमस प्रशियन पॉलिटिकल थिंकर था हीगल के नाम से। वो ये कहता था कि वॉर इज नेसेसरी, कि दुनिया में युद्ध होना जरूरी है। अब बोलोगे कि बड़ा बेकार आदमी है, कैसी बातें कर रहा है। वो ये कहता था कि वॉर से नेशंस में प्योरिफिकेशन हो जाती है, जितने भी करप्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस देश के अंदर वो सबकी असलियत सामने आ जाती है। जितने भी ये देश एक दूसरे से दोस्ती का नाटक करते हैं उन सबकी असलियत सामने आ जाती है। और जब भी हम ये शब्द सुनते हैं वर्ल्ड वॉर, तो हमारे दिमाग में आता क्या है कि पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा होगा। दुनिया के आधे देश एक तरफ होंगे और आधे देश एक तरफ होंगे। और जब भी कहीं पर भी छोटे से छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी अगर शुरू होता है तो उसको हम बहुत ही जल्दी वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दे देते हैं। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं नहीं आज की डेट में तो ऐसा कोई युद्ध हो ही नहीं सकता, कोई वर्ल्ड वॉर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया आज की डेट में बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। हर कोई एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी चीज़ को लेकर के निर्भर है और कोई भला किसी से भी लड़ाई करना नहीं चाहता। और ये थ्योरी दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दी गई थी कि दुनिया के अंदर इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर दो, फिर कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। क्योंकि जब अगर आप सामने वाले पे किसी चीज़ के लिए लेकर के निर्भर हो तो आप भला क्यों उससे लड़ाई करोगे। लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर अगर हम देखें तो उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और उसका कोई भी रिजल्ट निकलने को तैयार नहीं है। और इसी युद्ध के अंदर ये इंटरडिपेंडेंस वाली थ्योरी बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि यूरोप पूरा का पूरा रशिया के ऊपर डिपेंड था नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। लेकिन फिर भी लड़ाई तो हो ही गई और 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी अब तक। अब फिर भी यहाँ पर भारत और चाइना जैसे पैसे वाले देशों ने तो रशिया को पैसे देकर के ऑयल मंगा करके अपने पास रख लिया, और यूरोप ने मिडल ईस्ट से महंगे दामों पर स्टॉक इकट्ठा करके रख लिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो लैटिन अमेरिकन देशों को हुआ और कुछ गरीब अफ्रीकन कंट्रीज को हुआ, जिनके पास उतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है कि वो किसी को बोल सके कि हमारे को डिस्काउंट पे ऑयल दे दो, और जो कि डिपेंड है अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए यूरोपियंस के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, तो उनको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तो इन लोगों को झेलना पड़ा और यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगाई भी बढ़ी। अब आपको याद होगा कि आज से कुछ ही महीने पहले सितंबर में जो G20 समिट हुआ था दिल्ली में, वहां पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट की गई थी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, और इस कॉरिडोर का सबसे ज्यादा फायदा होना था इस वाले रीजन को। अब यहाँ पर भारत जैसा देश जब भी यूरोप से कोई ट्रेड करता है तो वो स्वेज केनाल का एरिया यूज करता है, और लगभग हर एक एशियन देश जब भी यूरोप से ट्रेड करता है तो इसी केनाल से होकर के उनकी शिप्स जाती हैं। और जब से ये रास्ता बना है वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से, बहुत पहले से, तब से यहाँ पर पावर स्ट्रगल चलता रहता है कि ये रास्ता किसके कब्जे में होगा। जिस भी देश के कब्जे में होगा उसको बेनिफिट हमेशा होता रहेगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ब्रिटिशर्स आ गए, फिर फ्रेंच आ गए, कभी ये एरिया इजिप्ट के कब्जे में हो गया, और जब यहाँ पर अमेरिकन को अपना कब्जा करना था तो उन्होंने खुद आने के बजाय इसराइल को यहाँ पर बिठा दिया। अब इसराइल के यहाँ पर बैठने में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो बाकी का अरब वर्ल्ड है ना, उनकी इसराइल से बिल्कुल नहीं बनती। अब वो क्यों नहीं बनती उसको बात मैंने पूरी एक्सप्लेन करी है अपनी पिछली वीडियो में, इसमें इसराइल पैलेस्टाइन का मैंने युद्ध डिस्कस किया था, अब वो जाकर के देख सकते हो इधर आई बटन पे क्लिक करके। अब दोस्तों जितना भी ये अरेबिक वर्ल्ड है उनकी और इसराइल की आपस में कभी बनती ही नहीं है, और अरेबिक वर्ल्ड का जो लीडर अपने आप को बोलता है सऊदी अरेबिया, उसके और इसराइल के बीच में हिस्टोरिकली कोई समझौता कभी हो ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करो तो ईरान और इसराइल के बीच में तो एग्जिस्टेंस की लड़ाई चलती है कि इस दुनिया में तो या तो तुम रहोगे या फिर हम रहेंगे, एक ही दुनिया में एक छत के नीचे हम रह ही नहीं सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में भी आपस में नहीं बनती। अब वो क्यों नहीं बनती इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि ईरान जो है वो शिया मुस्लिम मेजोरिटी का देश है और सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स का देश है, और ये दोनों ही मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। प्लस यहाँ पर एक और एंगल है, ईरान जो है यूएसए से उनकी लड़ाई चलती है और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा एलाय है यूएसए का, और यहाँ पर यूएस लगातार सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को ईरान के खिलाफ। एक तरह से सऊदी अरेबिया यूएसए का प्रॉक्सी है ईरान से लड़ने के लिए, तो यहाँ पर इन दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी चलती है, और इसी सब कारण की वजह से इस पूरे एरिया में इंस्टेबिलिटी रहती है। अगर एक एरिया में दो बड़ी पावर्स अगर लड़ रही हैं तो बाकी छोटी छोटी पावर्स को भी किसी ना किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा, और उस एरिया के अंदर वॉर चलता रहेगा। और जिस भी एरिया में इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, जो देश हथियारों का व्यापार करते हैं, यानी अमेरिका और रशिया। अगर ये आपस में देश इन दोनों लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, हथियारों से लड़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। और ये सब हथियार बनाता कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वेपन्स का अमेरिका,
सेकंड नंबर पे आता है रशिया। अगर जहां जहां पे इंस्टेबिलिटी होगी इन दोनों को वहां पर फायदा होगा। और अमेरिका की मार्केट को यहां पर खत्म करने के लिए आता है चाइना। चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान को बोलता है, अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, बैठ के बात करते हैं ना, इतना टाइम होगा तुम्हारे लड़ते लड़ते, कुछ निकला रिजल्ट नहीं निकला, ये दोनों की बैठ के बात करवाते हैं। और अचानक ही अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में भी कुछ कुछ समझौते होने स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी पुरानी दुश्मनी, इतने रिलीजन की दुश्मनी सेटलमेंट की हो रही है यहाँ पर। इसराइल जो कि ज्यूइश लोगों का देश है और मुस्लिम लोगों का देश है, बिल्कुल इनकी आपस से बनती नहीं है, तो ये सेटलमेंट एकदम से क्यों हो रही है? दोस्तों इसका जवाब है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर बनेगा इसके लिए यूएई, सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो मेजर हिस्सा है वो यहीं से होकर के जाने वाला है। और अगर इन्हीं तीनों के बीच में अगर समझौते नहीं होंगे तो ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इसकी तैयारी पिछले 2-3 सालों से ही चलनी शुरू हो गई है। इंडिया जो है सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट यूज़ करता है और ईरान से होकर के सेंट्रल एशिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इंडिया को ब्लॉक कर रखा है वेस्ट साइड से, इसलिए समुद्र से होकर के ईरान से होकर के जाना पड़ता है। और इस कॉरिडोर के लिए अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के भी समझौते अगर आपस में नहीं होंगे तो भी ये कॉरिडोर नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस एरिया के अंदर अभी थोड़ी बहुत काफ़ी टाइम से सेटलमेंट होनी शुरू हो रही है। और जब बात तैयारी पूरी हो गई थी तो इस G20 समिट में इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट कर दी गई कि ठीक है अब बना रहे हैं हम यहाँ पर ये। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी जल्दी भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली कि ठीक है सेटलमेंट हो रही है, कॉरिडोर बन जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। इतनी जल्दी खुशियाँ नहीं बढ़ती हैं दुनिया के अंदर। जैसे ही इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई न्यू दिल्ली के अंदर, उसके 2-3 महीने बाद ही अभी अक्टूबर में हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। और इस हमले की वजह से जितने भी अरेबिक देश थे वो सब और इसराइल अलग अलग कैंप्स में आ गए। इन सब के बीच में जो अभी थोड़ा बहुत कोऑपरेशन होना शुरू हो रहा था अरेबिक देशों के बीच में, ईरान के बीच में और इसराइल के बीच में, इस कॉरिडोर को लेकर के थोड़े बहुत जो समझौते होने शुरू हो रहे थे उस सब पे पानी डल गया, क्योंकि हमास जो है एक इस्लामिक ग्रुप है। अब वो थोड़ा सा रिलीजियस एंगल रखेंगे दुनिया में बेशक अपना कि हमारे को सपोर्ट करो, इसराइल हमारे को परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर हमास ने इसराइल पे हमला किया है इसराइल भी तो बदले में हमला करेगा। बहुत सारा बॉम्बिंग्स हो रही है हमास के ऊपर, गाजा के अंदर बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं। तो यहाँ पर हमास बाकी देशों से सपोर्ट मांग रहा है कि देखो इसराइल हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमारे को सपोर्ट दो। और दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं वो सब हमास की तरफ आकर के खड़े हुए हैं। और आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि इसराइल ने एक हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया गाजा के अंदर, गाजा जहाँ पर हमास का कब्जा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे भी गए। जितने भी इस्लामिक देश थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इसराइल को। अब यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरेबिया जो अब तक सिर्फ बोल रहा था मुँह से कि इसराइल की हम निंदा करते हैं, यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हो गाजा के साथ, बहुत गलत कर रहे हो हमास के साथ, क्योंकि मोर और लेस एक फॉर्मेलिटी लग रही थी कि चलो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि क्योंकि आप फिर सपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी लीडरशिप कहाँ की रही फिर मुस्लिम वर्ल्ड की। तो यहाँ पर वो सिर्फ बोल रहे थे लेकिन वो पूरी तरह से कोऑपरेशन एंड करना नहीं चाहते इसराइल के साथ, क्योंकि उन लोग वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। लेकिन ईरान यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उन्होंने जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था, इसराइल का जो पड़ोसी देश है लेबनन, लेबनन में हिजबुल्ला ग्रुप जो है जिसको ईरान ने ही बनाया था इसराइल से लड़ने के लिए 1980s में, ईरान ने वापस से उनको फंड करना स्टार्ट कर दिया कि अब तुम इसराइल को वहां से परेशान करना स्टार्ट कर दो। दूसरी तरफ यमन में कुछ हूथी रेबल्स हैं जो कि आप यूं समझ लो कि ऑपोजिशन के लोग हैं और वो हथियारों के दम पर वहां की सरकार से लड़ते हैं, और बहुत सारा यमन का पार्ट इस वक्त हूथी रेबल्स के पास है। ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और बात तो यहाँ तक आ गई थी कि उन हूथी रेबल्स ने रॉकेट्स फायर करने स्टार्ट कर दिए थे इसराइल के ऊपर। अब दोस्तों वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यमन से लेकर के इसराइल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मोर देन 1000 किलोमीटर से पड़ जाता है। तो इतने लंबे लंबे रॉकेट से हूथी रेबल्स कैसे फायर कर रहे हैं? डेफिनेटली इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है ईरान से इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, वरना इनको भला कौन देने वाला है हूथी रेबल्स को? इतना सारा पैसा इनके पास कहाँ से आया कि ये इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर ये लोग कर सके? बहरहाल जब इन्होंने रॉकेट्स फायर किए तो वहाँ पर US नेवी ने उनको हवा में नष्ट कर दिया, वरना इसराइल को तो बहुत नुकसान हो जाता है यहाँ पर।
तो अब लेदे करके यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कोऑपरेशन स्टार्ट हो रही थी अरेबिक वर्ल्ड में, ईरान में, इसराइल में, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए, वो बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है उस चीज़ का।